हाउ टू एक्सपोर्ट बासमती राइस, बासमती राइस इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये बासमती राइस आपने थंबनेल पे सही पढ़ा, हर शिपमेंट में आप 5 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे पूरा डिटेल कैलकुलेशन आपके लिए लेके आए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम यही देख लेते हैं कि कितना जो राइस है बासमती राइस, कौन से वाला बासमती राइस ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो इस तरीके का जो लंबे वाला चावल होता है बासमती राइस जिसको बोला जाता है, ये बासमती राइस ज्यादा यहां से इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। लंबे वाला चावल जो आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छा बासमती राइस है, जो कि अच्छा रेट आपको यहाँ मिल जाएगा, 80 रुपए से 100 रुपए या 70 रुपए या 60 रुपए तक भी आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। अगर गवर्नमेंट बेनिफिट्स की बात करें कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि राइस ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो, वैसे तो मैं ये बता दूं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस, स्पेशली बासमती राइस और ब्रोकन राइस, दोनों में हम नंबर 1 है, थाईलैंड हमारा यहाँ पे कंपटीटर है। सो गवर्नमेंट बेनिफिट्स में सबसे पहले पायदान पे आपको मिलता है DB के ड्यूटी ड्रॉबैक, जो कि आपको कस्टम द्वारा दिया जाता है। तो कस्टम आपको यहाँ दे रहा है हर किसी मीट्रिक टन पे आपको 20 रुपये दे रहा है, ₹20 पर मीट्रिक टन। अगर मैं IES की बात करूँ, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम, अगर आप MSME में रजिस्टर्ड हैं तो आपको 3% का IES मिल जाता है, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अगर आप MSME में रजिस्ट्रेशन नहीं है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है, तो आपको IES नहीं मिल रहा है। अगर मैं RODTP की बात करूँ, रोड टेप, यहाँ पे आपको 1% का मिल रहा है, रोड टेप यानी रिमेंस ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। तो RODTP जो पहले MEIS था, अभी RODTP हो गया, RODTP आपको यहाँ पे मिल रहा है, 1% ऑफ योर FOB वैल्यू, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। आपका जितना भी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू है, 5 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, जितना भी बड़ा आपका शिपमेंट है, सीधा सीधा 1% RODTP आपको मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले बता दूं बेसिकली जो हमारा ट्रेनिंग होता है, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सिखाते हैं आप बायर कैसे फाइंड करते हैं, बायर को वेरीफाई कैसे करते हैं, कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं, उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, पेमेंट टर्म क्या होता है, इनको टर्म क्या होता है, मेरे से पेमेंट टर्म क्या है, कस्टम क्लियरेंस कैसे होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे इंक्रीज करते हैं, पूरा डिटेल में स्टडी कराते हैं। आपको 100% ट्रेंड करने की गारंटी रहती है, और ट्रेनिंग के बाद में आपके पास में हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, जिसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन की बात करूं कि कितना प्रॉफिट मार्जिन आपको होने वाला है, जो मैंने थंबनेल पे भी लिखा कि 5 लाख रुपए आप इससे हर शिपमेंट से कमा सकते हैं, तो पूरा डिटेल कैलकुलेशन मैंने आपके लिए यहां पे लिखा है, आपका टाइम सेव करने के लिए। तो जब आप इसको बाय करते हैं, जो बासमती राइस है 60 रुपये से लेके 80 रुपये तक का आपको यहाँ पे बल्क में मिल जाएगा, जो राइस मिल से आपको मिलता है, यानी आप रिटेल में भी लेते हैं तो 90 और 100 रुपीज़ तक का आपको बहुत बढ़िया बासमती राइस आपको मिल जाएगा रिटेल में। लेकिन जब आप इसको राइस मिल से लेते हैं तो 60 रुपये से 80 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगा। आप अगर 80 रुपये का भी रेट लगाते हैं कि 80 रुपये पर KG आप इसको ले रहे हैं, और आप इसका एक शिपमेंट लेते हैं, यानी 25 मीट्रिक टन का एक शिपमेंट भेजते हैं, एक कंटेनर भेजते हैं, तो आपको 20 लाख रुपए का पड़ जाता है, और 1 लाख रुपए हम ऐड कर लेते हैं जो आपका कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, लोकल इंश्योरेंस का खर्चा, कस्टम क्लियरेंस का खर्चा, टर्मिनल हैंडलिंग का खर्चा, लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, वो सब लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये आता है। उसको मैं ईजी कैलकुलेशन के लिए 1 लाख रुपये लिख लेता हूँ। सो बेसिकली वो हो गया 20 लाख प्लस 1 लाख, 21 लाख रुपये का आपका शिपमेंट ये हो गया रेडी, जो आपने प्राइस पे किया है खरीदते टाइम। अब गवर्नमेंट के बेनिफिट आपको मिलने वाले, गवर्नमेंट के बेनिफिट सारे आपको मिलने वाले, आप चिंता मत कीजिए। 5% GST मिलेगा और 1% आपको RODTP मिलेगा, तो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिल गए 6%, यानी उसको रुपीस में देखो तो 1.2 लाख, यानी 1,20,000 रुपये हर शिपमेंट में एक कंटेनर पे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो फाइनल जो बाइंग प्राइस हो जाएगा आपका 21 लाख रुपए माइनस 1.2 लाख रुपए, ये हो गया 19.8 लाख रुपए, यानी अभी आपको फाइनल बाइंग प्राइस हो गया 19.8 लाख। अब फाइनल बाइंग प्राइस, आपका सेल प्राइस क्या होगा, किस प्राइस पे आप इसको बेच पाएंगे, तो जो इसका FOB वैल्यू आया था, जो हमारी टेक्निकल टीम के सामने आया ड्यूटी ड्यूरिंग रिसर्च, तो वो 100 रुपये से 120 रुपये आराम से इसको आप FOB कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 150-200 रुपये में भी ये जाता है, लेकिन हम एक सेफ कैलकुलेशन लेके चलते हैं। सो आप इसको अगर 25 टन का एक कंटेनर बेच रहे हैं और 100 रुपये का भी आप रेट लगाते हैं तो 25 लाख रुपये आपका यहाँ हो जाता है। सो नेट प्रॉफिट कितना हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया 25 लाख माइनस 19 लाख, 25 लाख
-19.8 लाख ही हो गया 5.2 लाख रुपीज पर कंटेनर, यानी 5 लाख रुपए हर कंटेनर के पीछे आप इसमें कमा सकते हैं। एक एवरेज एक्सपोर्टर उतना कमा सकता है। अगर मैं बात करूं बेसिकली डिमांड की, यानी वो कौन कौन सी कंट्री जिसका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। चाइना इसका ज़बरदस्त इंपोर्ट कर रही है। चाइना इसका $2.18 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना में भी राइस खाने वाले काफ़ी लोग हैं। फिलीपीन की बात करो, फिलीपीन $1.42 बिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। सऊदी अरेबिया $1.05 बिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है बासमती राइस का। अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, जो हमारी पास की कंट्री है, बांग्लादेश भी पीछे नहीं है। बांग्लादेश $1.02 बिलियन का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं यूएसए का, यूएसए $936 मिलियन का बासमती राइस पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। इन टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, तो ये 10 यानी 10 नंबर चैप्टर में आता है और सब चैप्टर इसका 06 है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 10063029। इसको आप इजिली रिसर्च भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट प्रोसेस की, तो सभी प्रोडक्ट के लिए एक्सपोर्ट का प्रोसेस सेम रहता है कि पहले आपको बायर प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया। आज हमारा प्रोडक्ट है बासमती राइस। बासमती राइस को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आपको बायर को फाइंड करना है, जो टोटल 15 मेथड्स बताए जाते हैं, यानी 15 मेथड्स जो आपको बताए जाते हैं वो आप इसमें इंप्लीमेंट कीजिए। या फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कुछ आप करना भी नहीं चाहते हैं, तो आप सीधा, आपके पास में पैसे हैं, पैसा फेंको, तमाशा देखो, आप वोल्जा का डाटा ले सकते हैं। हमने भी वोल्जा का डाटा लिया हुआ है, www.volja.com। इनका आप फ्री डेमो भी ले सकते हैं। हमारे साथ में, हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आप मिलकर लेते हैं, तो शेयर बेसिस पे आपको 30,000 का मिल जाता है। आप अकेले अलग से लेने जाते हैं तो 1.2 लाख रुपये इसका इनका सब्सक्रिप्शन मिलता है, एनुअल सब्सक्रिप्शन। जब आपने बायर को फाइन कर लिया, अब आपको बायर को वेरीफाई भी तो करना है कि भैया कोई पार्टी फ्रॉड तो नहीं है। जो हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं वो आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए कि बायर को कैसे आपको वेरीफाई करना है। फिर आपको बायर को वेरीफाई कर लिया, तो फिर आपको बायर को कन्विंस करना है कि भाई हाउ व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू। तो जो उसके आंसर से जो आपकी यूएसपी बनाते हैं, जो हम अपने ट्रेनिंग में सिखाते हैं, वो सारा आप यहां पे इंप्लीमेंट कीजिए। फिर आपको यहां पे पेमेंट अच्छा खासा मिल जाता है। 100% एडवांस तो आपको यहां नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी 50% एडवांस या फिर एलसी में आप यहां काम कर सकते हैं। और जब आपका पैसा आ जाए तो आप उसका बीआरसी कर सकते हैं, यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, जो आजकल 50 रुपये, 75 रुपये या फिर 100 रुपये या फिर 1,000 रुपये या फिर 1,500 रुपये तक का आपको मिल जाता है। ये पूरा निगोशिएबल है, पूरा डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ में अपने बैंक के साथ में इसको निगोशिएट कर सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करूं, तो मेरे से पहले तो आप ही बता देंगे सर ये तो खाने पीने की चीज़ है, तो इसमें तो अपेड़ा ही लगने वाला है। यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो एक बड़ी अथॉरिटी है, जिसका आरसीएमसी रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट आप 5,900 रुपये देके आप इसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस होता है, 1 हफ्ता लगता है, घर बैठे बैठे आपका आरसीएमसी आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं टॉप कंपिटिटर कंट्रीज की बात करूं, यानी वो कौन कौन सी कंट्रीज जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिया इज द नंबर 1 वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन राइस, ब्रोकन राइस एज वेल एज बासमती राइस। बासमती राइस पंजाब से ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। सो इंडिया $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है राइस का, पूरा वर्ल्ड हमारा ही राइस खाता है। तो आप बिल्कुल अच्छे से इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जबरदस्त एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बढ़िया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थाईलैंड इसमें हमारा कंपिटिटर है, लेकिन बहुत नीचे है, ओनली $3.4 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। हम $10 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए। हमें लगातार कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली हमें एक्सपोर्ट करते जाना है। थर्ड नंबर की बात करूं तो वियतनाम ही है, जो कि हमारे पास की कंट्री है, वो भी $2.96 बिलियन का एक्सपोर्ट कर पा रहा है। फोर्थ नंबर की बात करें तो फोर्थ नंबर पे पाकिस्तान आता है, वो भी $2.26 बिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है बासमती राइस का। यूएसए $1.96 बिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर पा रहा है बासमती राइस का। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस इंडियन को शेयर कीजिए जो कि जॉब करा, बिजनेस में आना चाहता है, या जॉब करा डायरेक्ट इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ रह गया, कुछ आप उसमें एडिशनल वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंतजार करेंगे आपका कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट बड़े चाव से, दिल की गहराइयों से उनको रीड करता हूं और उनके रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं जैसे जैसे मुझे समय मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। और आप हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।
सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। थैंक यू।